नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस समय काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में हमारे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि सर क्या अब जनरल या यूआर कैटेगरी की लिस्ट नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ द्वारा 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब दिवाली के बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी और उन्हीं के जो है कैटेगरी वाइज उनकी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी। तो इस बात को लेकर के हमारे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी चिंतित है कि सर क्या अब जनरल की लिस्ट नहीं आएगी। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 3 लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है और अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी के अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी। हालांकि कुछ छात्र ये भी पूछेंगे, जानना चाहते होंगे कि सर ईडब्ल्यूएस कितनी लिस्ट आएगी, ओबीसी कितनी लिस्ट आएगी, एससी एसटी कितनी लिस्ट आएगी। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर एक बार विद्यापीठ ने लिस्ट निकाला, अगर सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया तब तो चांस कम है कि अगली लिस्ट आएगी। अगर उसमें मान लीजिए कि विद्यापीठ ने 100 अभ्यर्थियों को बुलाया ईडब्ल्यूएस के और 50 अभ्यर्थी गए, तो फिर विद्यापीठ को अगले वाले राउंड में फिर उनको बुलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किस कोर्स में या कैटेगरी वाइज कितनी लिस्ट आएगी, ये डिपेंड करता है कि किस राउंड में कितनी सीटें भर रही हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये सबको डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आमतौर पर देखा गया है EWS की 1 से 2 लिस्ट आती है, OBC की 1 से 2 लिस्ट आती है और SC ST की एक ही लिस्ट में सारे बच्चे आ जाते हैं, या कभी कभी 2 लिस्ट आती है। तो अब ये देखने का विषय होगा कि इस पर 2 लिस्ट आती है कि एक ही लिस्ट आती है कि 3 लिस्ट आती है। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और कितने बच्चों को वहाँ बुलाया जा रहा है, ये सब कुछ उस बात पर निर्भर करेगा। तो बस आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे EWS के अभ्यर्थी हैं उनकी भी लिस्ट आएगी, OBC SC ST की लिस्ट अब दिवाली बाद हर कोर्स की आएगी। साथ ही साथ जो हमारे कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के, आप जान लीजिए कि जैसे ही कैटेगरी वाइज यानी कि EWS OBC SC ST की काउंसलिंग की प्रक्रिया कम्प्लीट हो जाएगी, देन आपके कोर्स की भी लिस्ट आएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि सीट कितनी बची है, तो आपके भी कोर्स की लिस्ट आने की संभावना है। लेकिन अब आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि लगभग आप 10-15 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, लगभग आपको टाइम लगेगा। उसके बाद फिर आपका जो पेड सीट का लिस्ट होता है, यानी कि पेड सीट हर कोर्स में तो नहीं है, जैसे BA में पेड सीट है, ठीक है, तो उसमें भी जब काउंसलिंग की प्रक्रिया रेगुलर सीट भर जाएगी फिर पेड सीट की लिस्ट आएगी, तो पेड सीट की भी लिस्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं आप चाहे तो पूरा नवंबर में इंतजार करें, क्योंकि विद्यापीठ में पूरे लगभग 20-25 नवंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आप तक शेयर करूंगा। और जिनका कम मार्क्स है, थोड़ा सा आप इंतजार करिए, स्पेसिस बना के रखिए, लगभग सभी को इस बार एडमिशन मिलने वाला है। स्पेशली BA कोर्स में सभी को एडमिशन मिल जाएगा, बाकी सारे कोर्स में डाउन गई है, कई बच्चे एडमिशन नहीं भी लिए हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।